हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग वंस अगेन। आज मैं लाया हूँ कुछ खास आप सबके लिए, जिसका कईयों को फिटनेस फ्रिक्स को था इंतज़ार। यस, ये आपने अभी जो अभी झलकी देखी है वो मेरे ब्रदर है, कज़न ब्रदर। ही इज़ मॉडल, प्रोफेशनल मॉडल, और एब्स में इन्होंने भी बहुत सारी सफलता पाई है। तो प्लीज़ वेलकम जी मिस्टर राहुल मल्होत्रा। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस। सो ही इज़ माई ब्रो राहुल मल्होत्रा, और इसकी अभी आपने फ़ोटोशूट की जो मैंने आपको दिखाई अभी क्लिप्स, तो वो इन्हीं की थी। तो आज हम बात करेंगे एब्स बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, क्या क्या चाहिए, क्या उसके मिथ्स हैं, क्या क्या अफवाहें फैली हुई हैं, वो सब ये खुद क्लियर करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एब्स, सिक्स पैक एब्स डेवलप की हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, विच इज़ फिटनेस ब्लॉग। लेट्स गो। या तो राहुल, यस, सबसे पहले मेरे श्रोताओं को और मेरे सब्सक्राइबर्स को जो उत्सुक हैं एब्स बनाने के लिए, उसके लिए सबसे ज़रूरत ज़रूरी सबको जैसे मालूम है वो है एक्सरसाइज। यस। तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि कौन सी वो एक्सरसाइज हैं जिनसे जल्द से जल्द जो सब्सक्राइबर्स मेरे एब्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। देखो, एब्स बनाने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। मैं आपको बेसिक से तीन चार एक्सरसाइज बताता हूँ जो हमारा एब्स का एरिया है, इसको हम बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस। इसमें तीन मसल होते हैं, अपर एब्स, लोअर एब्स एंड साइड ओब्लिक्स। इनकी तीन अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं। अपर एब्स के लिए, अपर एब्स को डेवलप करने के लिए होती है क्रंचेस, डिक्लाइन क्रंचेस और सिंपल क्रंचेस। और लोअर एब्स के लिए होती है लेग रेस। और साइड ओब्लिक्स के लिए होती है साइड प्लैंक्स। और ओवरऑल अगर आप एब्डोमिनल मतलब स्टमक को ट्रेन करना चाहते हैं, तो मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है प्लैंक्स। आप प्लैंक्स से शुरू करें, फिर क्रंचेस, देन लेग रेस एंड साइड ओब्लिक्स के लिए अपने साइड प्लैंक्स। तो
चार हो रही है? यस, चार। तो दोस्तों ये चार एक्सरसाइज हैं जिनको आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो ये आपको एब्स बिल्ड करने के लिए हेल्प करेंगी। यस yes. आप खाली एक्सरसाइज से बात नहीं बनेगी, जैसे आप सबको मालूम है तो उसके लिए बहुत ज़रूरत है डाइट की। तो डाइट पे थोड़ी रोशनी डालिए, क्या डाइट आपने ली ऐसे एब्स बनाने के लिए और क्या क्या रिकमेंडेड है? डाइट के लिए हमें लो कैलोरीज डाइट लेनी होती है, इसमें जिसमें कम कैलोरीज हों और कम मतलब लेस शुगर, लेस सॉल्ट मतलब सोडियम, यानी शुगर भी कम या बिल्कुल बंद, मतलब कि जो शुगर लेनी है वो हमें नेचुरल शुगर लेनी है, आर्टिफिशियल शुगर नहीं लेनी। नेचुरल शुगर से इनका मतलब है जो शुगर फ्रूट्स में मिलती है आप सबको। यस, वही शुगर आप इसमें यूज कर कंज्यूम कर सकते हैं। यस, सीधी जो चीनी आप देसी मिलती है वो बिल्कुल बंद है। बिल्कुल बंद है, बिल्कुल। और एक चीज और मेरे दोस्त जाना चाहेंगे, जो फिल्मों पे टीवी पे ऐड आती है कि शुगर फ्री टैबलेट्स लीजिए, वो एब्स के दौरान खानी चाहिए? वो आपका क्या विचार है? खा सकते हैं पर उसमें भी शुगर होती है। अच्छा, पर वो भी आर्टिफिशियल शुगर ही है, वो नेचुरल शुगर नहीं है। ओके, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अगर आपको मीठा एब्स बनाने के दौरान खाना है तो फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स में से कौन सा फ्रूट, जैसे एप्पल हो गया? और एप्पल, क्योंकि एप्पल जो होता है ना, एप्पल सुपर फ्रूट है, क्योंकि एप्पल जो है उसमें कैलोरीज भी कम है और उसमें हमें सही क्वांटिटी में शुगर इंटेक मिल जाती है। अगर आपको कुछ अपने दोस्तों के लिए पूछना चाहें कि सिर्फ एक सिंपल सा डाइट प्लान बताइए कि आपने क्या कुछ खाया उस एब्स को बनाने के लिए, तो आप शॉर्ट में क्या बताएंगे? तीन चार चीज़ें। देखो, एब्स को बनाने के लिए हमें लो कैलोरीज डाइट तो लेनी होती है। उसमें क्या क्या खाना, वो ही पूछना चाह रहे हैं। उसमें हमें मतलब कि फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाने होते हैं, सैलेड खाना होता है, और अपने मसल्स को ग्रो करने के लिए और मसल मेंटेन रखने के लिए उस लो कैलोरीज डाइट के दौरान हमें हाई प्रोटीन डाइट खानी होती है, हाई फाइबर डाइट एंड हाई प्रोटीन डाइट। तो उनमें क्या क्या आ जाता है? नॉनवेज, हाई प्रोटीन में अगर आप नॉनवेज इंटेक कर लेते हो तो उसमें आता है लीन प्रोटीन, दी बेस्ट एग वाइट्स। ओके, एक और पूछते हैं बात, क्या वेज आदमी एब्स बना सकता है? यस, यू कैन मेक एब्स। अच्छा, वेज के लिए और नॉन वेज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? वेज के लिए डाइट, क्योंकि जो एग भी नहीं खाता होगा तो उसके लिए प्रोटीन सोर्स कौन सा आएगा? प्रोटीन सोर्स उसके लिए है पनीर, जो हमें वाइट पनीर मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि वेज लोग जो देख रहे हैं इसको अभी राइट नाउ, आप भी एब्स बना सकते हैं इनके जैसी। यस yes. कोई टाइम स्लॉट का फर्क पड़ता है वेज और नॉन वेज के बीच में? नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो मेन चीज है सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोर्स वेज है चाहे नॉन वेज है, क्वांटिटी से उतनी होनी चाहिए। तो इट डजंट मैटर कि आपने अपना वेज खा रहे हैं या नॉन वेज, वो डजंट मैटर। यस, एक्सरसाइज मैटर्स, चार जो बताई हैं, उसके बाद डाइट की जो क्वांटिटी जो ये बता रहे हैं, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए प्रोटीन की एक दिन में? एक दिन में, जैसे ये किसी के लिए मतलब कि पूरा प्रॉपर नहीं है, मतलब कि जितना हमारा बॉडी वेट होता है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर किसी का वेट है 50 kg तो उसको डेली प्रोटीन रिकमेंडेड है 50 grams। अगर किसी का वेट है 60 kg, मतलब 60 ग्राम, 70 kg, 70 ग्राम्स। यस, ये आपको आपको पता करना पड़ेगा कि किस चीज़ में कितना प्रोटीन है, तो कितना मैं खा रहा हूँ। मतलब कि जैसे 50 kg वाला बंदा 50 ग्राम्स प्रोटीन पूरे दिन में खाएगा, वो भी 4 meals में डिवाइड करके, 4 to 5, 5 to 6 मील्स में डिवाइड करके ये इंटेक करेगा। मतलब कि 50 kg वाला बंदा 50 ग्राम्स ही प्रोटीन खाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, और फैट्स का बिल्कुल बंद है? फैट्स, फैट, हेल्दी फैट्स आप ले सकते हैं। हेल्दी फैट्स में क्या आता है? हेल्दी फैट्स में आते हैं ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, वो आप ले सकते हैं। आलमंड्स, कैश्यूज। ओके, दैट्स। और ये कुछ मैंने बात सुनी हुई है, जैसे एज ए डॉक्टर की परसेंटेज तक आप कुछ ले जाते हैं फैट का कंटेंट ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ एब्स। एब्स बनाने के लिए परसेंटेज ऑफ फैट घटाना पड़ता है। यस yes. तो आप रिकमेंडेड कितना है और आप कहाँ तक ले गए फैट को अपने? देखो, जो तो हेल्दी फैट परसेंटेज है, हाँ जी, मतलब कि एक नॉर्मल इन बंदे के लिए वो होती है 7 to 8%, जो हेल्दी माना जाता है। हेल्दी माना लोगों में बहुत ज़्यादा होता है फैट।
वैसे आम जो आप रह सकते हैं वो होता है 12-15%। गुड फैट मानी जाती है, मतलब कि लुक्स अकॉर्डिंगली 15% तक सही लगती है। मोटापा कहाँ पर शुरू होता है? मोटापा 15% के बाद शुरू होता है। जो 15% से ऊपर जिनका फैट है वो मोटो में, वो ओबीज में आ जाते हैं। यस, तो आप कहाँ तक ले गए? मैं जैसे अब मेरा फोटोशूट, आपने फोटोज देखी हैं मेरी, तो फोटोशूट के लिए मैं 4% तक चला गया था, जो कि बिल्कुल अनहेल्दी है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। पर अगर आपका कोई प्रोफेशनल, कोई सीरियस गोल्स हैं तो आप इतने नीचे तक आए। फ़ायदा क्या है नीचे तक आने में फैट्स का? मतलब रिकमेंडेड 7-8% है, आप 4 तक ले गए, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था क्योंकि फ़ोटोशूट के लिए आपको मसल्स की जो डेफिनेशन है वो दिखानी पड़ती है। विजिबिलिटी आप कह रहे हैं? विजिबिलिटी। ओके, अगर आप जितना रिडक्शन, जैसे इन्होंने 4% तक ले गए वैसे रिकमेंडेड नहीं है, तो थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने प्रोफेशनल तौर पे वो किया। इट्स जस्ट टेम्परेरी, वैसे रिकमेंडेड नहीं है, आप मत कीजिएगा। 7-8% पे भी एज दिख जाते हैं। और कैसा था आपका फीलिंग ड्यूरिंग दोज डेज जब आप 4% फैट आप तक ने, मतलब कैसा रहता है आपका, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं आपको बता नहीं सकता, ये मेरा आज तक का वर्स्ट एक्सपीरियंस है। यानी कि बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों ये इतने लेवल पे। कैसे, मतलब डे टू डे आपकी एक्टिविटीज भी अफेक्ट हुई? एक्टिविटीज भी इफेक्ट हुई बिल्कुल। देखिए, तो ऐप बनाना एक आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज। क्या क्या आपको डिफिकल्टीज उस दौरान फेस की जब आपने ये ऐप्स डेवलप किए? उस दौरान जैसे कि एनर्जी लो होना, मतलब कि डेली जो वर्क कर सकता है एक आम इंसान वो भी करने में मुश्किल होती थी, जैसे कि सिंपल चलने में या टीवी देखने में या सिंपली मोबाइल चलाने में भी प्रॉब्लम आती थी, टायर्ड रहता था बंदा। दैट मीन्स इतना डिफिकल्ट है एप्स को मेंटेन करना, तो ये परमानेंट तो नहीं होंगे? परमानेंट नहीं होते, इट इज़ अ टेम्प्रेरी थिंग। और फ्लैट स्टमक परमानेंट रख सकते हैं आप विद डाइट, बट ये 6-6 pack आप हमेशा कभी भी नहीं रख सकते, ये सिर्फ टाइम बिंग के लिए, कोई शूट के लिए, जैसे फिल्मों में कुछ लोग करते हैं, शाहरुख खान वगैरह, इट इज टेम्पररी, टोटली टेम्पररी। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आया है, बड़े लोगों ने पूछा है कि क्या जिम ज़रूरी है एप्स बनाने के लिए? जिम के बिना एप्स बन सकते हैं या नहीं? जिम के बिना आप घर पर वर्कआउट करके अगर आप इतने डेडिकेटेड हैं बन जाते हैं। जो आपने 4 एक्सरसाइज कर बताई हैं, जैसे अगर घर पे ही बंदे करें विद डेडिकेशन, क्या एब्स डेवलप हो जाएं? यस, यू कैन डेवलप एब्स, बट उसमें टाइम लगेगा। टाइम लगता है इनको विद जिम? अगर आपकी फैट परसेंटेज ठीक है, नॉर्मल है, मतलब कि 10-12% है पहले ही, तो विद इन 3 months You will able to see those abs, those six pack abs. मतलब थोड़ा obese है, 20-25% fat वाला है। वो फिर ऐसे ही है, जितनी ज़्यादा fat percentage बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा time ज़्यादा लगते हैं। Normal 3 महीने तो minimum लगेंगे। और ये जो exercise आपने बताई daily करनी पड़ेगी? Yes, daily करनी है, कोई rest नहीं? Without any rest. Okay, ये abs की crunches जो कि इन्होंने 4 exercises बताई हैं वो आपको daily करनी पड़ेंगी अगर आपको एप्स 3 months में चाहिए। यस, तो दोस्तों ये सब कुछ हो गया, एक्सरसाइज हो गई, डाइट हो गई, और एक बड़ा क्वेश्चन आता है स्टीरॉइड्स और ड्रग्स के साथ, जो आपने इसका कुछ इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया, टोटली नेचुरली वे से इन्होंने डेवलप किए हैं एप्स। इवन फोटोशूट के दौरान लोग फैट बर्नर्स का इस्तेमाल करते हैं, मैं फैट बर्नर्स भी नहीं इस्तेमाल किए मैंने। आई एम नेचुरली, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। यस, डाइट। तो क्या आर्टिफिशियल जो आप बता रहे हैं ड्रग्स एंड ऑल दैट, उससे थोड़ी जल्दी बनते हैं एब्स? उससे बन तो जाते हैं जल्दी, पर उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो दैट मींस यू डोंट रिकमेंड? आई डोंट रिकमेंड। तो प्लीज़ आप आर्टिफिशियल की तरफ मत जाइए, नेचुरल वे से देखिए, आप इसमें एग्जाम्पल है। यस, इन्होंने अपनी मेहनत से और नेचुरल वे से डाइट तो ली है। और एक और सवाल बड़ा कॉमन आ रहा है इससे, सप्लीमेंट्स का, सप्लीमेंट्स क्या लेने हैं, ज़रूरी हैं इन एडिशन टू डाइट? यस, सप्लीमेंट मैं कहूँगा ये ज़रूरी हैं। आपने भी लिए हैं? यस, मैंने भी लिए हैं, ये हर कोई ले सकता है, ये नेचुरल है।
वो एक मतलब पाउडर फॉर्म में यस इन एडिशन टू डाइट आपको सप्लीमेंट जरूर लेने हैं. तो कौन से कुछ एक दो एग्जांपल आप जैसे कि वे प्रोटीन हो गया अपना डेली मल्टी विटामिन ओके एंड फिश ऑयल ओमेगा 3 ओके अगर आपकी फैट परसेंटेज कम है अराउंड 7-6% है तो उसके दौरान आप CLA ले सकते हैं CLA एंड इसके साथ आप ग्रीन टी रेगुलर पिए दिन में 2-3 बार तो ग्रीन टी पिए फैट लॉस के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है. ओके दैट्स ग्रेट. तो ये मतलब डाइट सप्लीमेंट्स भी आपके एसेंशियल हैं. तो अब मेन बात करते हैं सबसे बात इन सब पे खर्चा कितना होता है. तो आप बताइए मेरे व्यूअर्स बड़े उत्सुक हैं कि ऐसी बॉडी पाने के लिए विद एब्स स्पेशल डाइट एक तो नॉन वेज वगैरह तो आपको पता ही लेना पड़ेगा या वेज तो पनीर वगैरह खाना पड़ेगा उसके अलावा सप्लीमेंट्स लगेंगे तो कितना खर्चा आ जाता है एक महीने में ऐसी रूटीन को अपनाने में. आप अगर आप ऐसा सिक्स पैक बनाना चाहते हैं विद नेचुरल डाइट एंड नेचुरल सप्लीमेंट्स तो इसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली 50,000 पर मंथ आ जाता है. अप्रोक्सीमेटली 50,000 50,000 का खर्चा है. यस विद सप्लीमेंट्स अगर आप विदाउट सप्लीमेंट ओनली डाइट पर लगाना चाहते हैं तो फिर भी लगभग 30,000 तो आ ही जाता है खर्चा. खाली डाइट से बन जाते हैं पर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है बस और कुछ नहीं. तो मतलब आप कौन करते हैं कि विद सप्लीमेंट्स आप विद सप्लीमेंट्स कम से कम 50,000 पर मंथ आपका लगेगा. ये सिर्फ डाइट का खर्चा है जिम का अलग इसके साथ एक सरप्राइज है. तो इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस पर कमेंट कीजिए. कोई भी आपको क्वेश्चन है रिलेटेड टू एब्स और एनी फिटनेस तो हम आपको आंसर करेंगे और इसी पे इनका इसको आप शेयर करेंगे तो एक तरह से एक गिव भी हम दे रहे हैं इसके साथ वो है एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो एब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes. वो कौन सा है आप बताइए जो आप भी यूज़ करते हैं और जो बड़ा हेल्पफुल होगा वो हम इसका गिव भी लगाएंगे. तो जो लकी उत्सुक मतलब जो विनर होगा उसको मैं हम दोनों मिलकर वो सप्लीमेंट फ्री में देंगे. उस सप्लीमेंट का नाम बताइए प्लीज़. ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट. ये सप्लीमेंट है. यस ओके इट्स अ इन अ टैबलेट फॉर्म. इसमें होता है ग्रीन टी नेचुरल ग्रीन टी के कैप्सूल होते हैं इससे आपकी फैट परसेंटेज कम हो जाती है. तो एक बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने बताया कि परसेंटेज बहुत ज़रूरी है उसको कम करने के लिए. तो वो एक हम एडिशनल एज ए अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ये इस वीडियो के थ्रू एक गिव अवे देंगे उस सप्लीमेंट का. तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. इस गिव अवे के लिए लिंक इसमें दिया गया है. तो दोस्तों ये था हमारा आज का फिटनेस फोकस ऑन द एब्स एंड ये है प्रोफेशनल मॉडल राहुल मल्होत्रा. Myself, Dr. Anshul Malhotra. Any query regarding abs, fitness, you can contact us. Please comment, please like, please share. Thank you. Yo. क्योंकि ये जो चार एक्सरसाइज हैं ये तो नॉर्मल सिर्फ मतलब कि कह लो नॉर्मल एक्सरसाइज है.